तो कमली में क्या कनेक्शन बनेगा ऑडियंस के साथ या मैं देखने जाऊंगी तो उसका क्या क्या है कमली में इतने कनेक्शन हैं और इतने लेयर्स हैं और जब भी ये स्क्रिप्ट भी मैं पढ़ रही थी तो हर दफ़ा जब आप वो पढ़ते हैं पढ़ते हैं तो एक नया एक नई चीज समझ आती है एक नया लेयर खुलता है हुँ. तो उसमें मेरा ख्याल है कि ठीक है ये औरतें मैं अच्छा मुझे आई आल्सो डोंट लाइक टू यूज द वर्ड स्ट्रांग विमेन आई मीन आई डोंट नो व्हाट अदर काइंड देयर आर ठीक है ना हर जगह हम कहते हैं कि ये स्ट्रांग विमेन है तो हम फिर हम फिर कुछ औरतों को एक्सक्लूड कर रहे हैं उसमें से कि वो स्ट्रांग hmm. नहीं है व्हाट इज दैट मीन रोती-धोती नारी है वो तो जो रोती-धोती वो भी तो स्ट्रांग है मतलब रोना आप अपने बेटे को कहें कि तुम रो नहीं ताकि तुम स्ट्रांग हो तो वो तो गलत है ना गलत है। तो रोना तो वीकनेस की निशानी नहीं है या अ, और हमारे रोने वाले ड्रामे इतने क्यों चलते हैं बिकॉज लोगों का दिल चाह रहा है रोने का और वो देखना चाहते हैं दूसरे लोगों को और फिर उनके थ्रू वो रोना चाहते हैं आई थिंक आई थिंक ये है मेरा ख्याल है कि आप किसी और बात पे रोना चाहते हैं सामने कोई और कोई किसी और बात पे रो रहा है कनेक्शन बन गया तो वही तो मेरे ख्याल में कमली में इस तरह के बहुत सारे ये औरतें हैं जो तीन हैं मैं नहीं कहूंगी कि ये स्ट्रॉग है या वीक है और, और की हम बात करते हैं, uh, हैं सानिया कैरेक्टर सबा का कैरेक्टर मेरा कैरेक्टर और और इसमें और भी बहुत सारी औरतें हैं और मर्द हैं तो uh, उनके साथ आपका बनेगा एक ऐसा साथ का कनेक्शन बनेगा आप उ, उनमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी नजर आएंगी जो हम अभी जिंदगी में हम उनसे गुजर रहे हैं पाकिस्तान में गुजर रहे हैं आई थिंक देर इज अ लार्जर ट्रूथ इन इट

आपको क्या पता है कैरेक्टर के बारे में नहीं नहीं पता कोई बहुत बहुत नहीं नहीं तो ये एक आर्टिस्ट है जो सबसे एक अनयूजुअल सी इस फिल्म में बात है वो है इसकी लोकेशन और वो लोकेशन एक फिक्शनल लोकेशन भी आप उसको कह सकते हैं ऑल्दो इट इज सेट इन अ बहुत ही खूबसूरत जगह है बहुत वाइल्ड undiscovered सी जगह है हमारी जो सून वैली है कलर का हार है लेकिन उसमें जो एटमोस्फियर है वो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है इस फिल्म में। hmm. और वो इन स्टोरीज को कैसे साथ बांधता है hmm. और उन औरतों को उनके ऐसा साथ को उनके कैसे फ्यूल करता है hmm. तो वो मैं कहूंगी कि वो एक आपको इनविजिबल एक कैरेक्टर जो आप जो कास्ट नहीं किया गया बट आई थिंक वो फिल्म उसके इतविजिबल so, तो क्योंकि Uh, this location is very inspiring. It's inspiring. It is inspiring. It sounds very good. It looks beautiful, haunting actually. No, it it looks haunting. It's, 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 uh, the soundtrack is so haunting. बहुत next level So uh, what what can I talk to you about Kamli without having watched the film? <laughs> हम आपके आपके शोहर के बारे में बात करते हैं अच्छा के बारे <laughs> में बहुत बहुत होंगे होंगे वो तो बहुत कुछ इस बात से बताते हैं अब अब क्या लिख रहे हैं? <laughs> वो वो लिख रहे रहे हैं हैं किताब बहुत आ, सालों से और वो जो भी कर रहे हैं इस वक्त वो आ, उस किताब के बहाने कर रहे हैं अगर वो सो रहे होते हैं तो वो किताब के बारे में सोचते सोचते सो गए अगर वो जाग रहे होते हैं वॉक कर रहे होते हैं तो वो किताब के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सारा क्रिएटिव लाइसेंस अभी उनको मिला हुआ है जो एक लिख रहे हैं जब दो कितने क्रिएटिव लोग घर में इकट्ठा रह रहे हो तो so, कोहिजन uh, होती है या कांस्टेंट आई थिंक आई थिंक हम लोग वी टेक टर्न्स टू बिहेव बैडली आई थिंक उसमें कभी ये होता है कि कभी मैं uh, उनके साथ बुरा सलूक करती हूँ कभी वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं <laughs> कभी वो मुझे इग्नोर करते हैं कभी मैं उन्हें करती हूं। इसी तरह इसी हाँ। तरह काम बस चल ही रही है ट्रेन उस पटरी हाँ, पे इसी वजह से अभी आखिरी स्टेशन नहीं है अल्लाह शुक्र है मावल की बात मैं आपसे थोड़ी बहुत जरूर करूंगी कर बिकॉज कर आप ट्रेलर में आप आई हैं ये नहीं पूछूंगी कि फवाद हैं कि और मैं भी शायद ये हाँ, तो आप अपने तौर पे की कर लीजिए जी मैं मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी बट तो आप हैं। ये हमने ट्रेलर में इतना हमें कंफर्म कर दिया गया कि आप हैं बट निमरा कंग्रेचुलेशन आई मीन हाउ अमेजिंग Thank you. How amazing is this that we have a Pakistani American superhero? It's just lucky. It's just, it's just, it's just amazing. It's Do you it's think lucky. that Pakistan is making some kind of way on the international of uh, right now of with Joyland. Joyland. Joyland? Absolutely. Joyland, look, now what's happening? I In the last decade, I would say, that for our books, for South Asian yes. writers, ke liye, it was yes. very, very important. Yes. yes. But I feel now we're making some kind of headway into cinema as well. Absolutely. And I think our बहुत थोड़े दिन पहले जो हमारे एनिमेटर्स हैं आई थिंक क्रूज में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो right? जी, yes. जी 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 तो वो वो भी काम हो रहा है राइटर्स भी हमारे बहुत हैं और आई थिंक अब हमारा एक एक ये भी एक चल निकला है कि देर अब अब ज्यादा आपको ब्राउन के बहुत शेड्स नजर नजर आ रहे हैं आ रहे, बिल्कुल अब आई 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 होप कि कि हमारे ड्रामों में भी इसी इसी तरह 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 ये यू नो सफ़ेद सफ़ेद और uh, सफेद और पिंक और इस के so के, के इस के नहीं थिंक एम वेरी लकी मैं टाइम पर एक्टिंग कर रही हूँ जिसमें एक मिस मावल जैसा कैरेक्टर जो कॉमिक पाकिस्तानी अमेरिकन सुपर हीरो बच्ची इज Wonderful. हाँ. और वो कहानी है इस स्टेज में अपने करियर के मुझे अभी भी चैलेंजिंग uh, काम मिली जी, 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 बिल्कुल जी, क्योंकि वो एक uh, uh, काम जो आप कम्फर्ट जोन में करना शुरू करते हैं फिर उसमें मजा नहीं आता ना देखने वाले को ना आप बिल्कुल बिल्कुल दिस इज ग्रेट एब्सोल्यूट शूट खत्म हो चुका है बिल्कुल हो चुका है सब कुछ खत्म हो चुका है अगले हफ्ते

उन्होंने इसीलिए ये प्रोजेक्ट चूज किया है ताकि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को एक प्राइड दे सके I, I बहुत कम लोग मुझे ऐसे शर्मीन जितने पेट्रियॉटिक जो है ना और और यही मुझे यू you नो know, मुझे इसी बात पे हैरानी होती है कि जो हमारे सारे पेट्रियॉटिक लोग हैं हाँ। हम उनको ओन नहीं करते नहीं करते नहीं। और क्योंकि अगर हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या हम अनपेट्रियॉटिक हैं नहीं हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं जी आ, uh, सो so उसमें तो उसको तो एक अनपेट्रियोटिक का लेबल नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं बट देन वी बिलीव इन लेबल्स वी यस वी वी बिलीव इन लेबल्स दैट्स सो वी बिलीव इन लेबल्स दिस इज द या वी बिलीव इन लेबल्स वक्त हमारे पास खत्म हो गया है बहुत कम था आई नो

कभी-कभी आपकी किस्मत अच्छी होती और फिर वो सारी चीज आप भी होती जी, जी, क्योंकि को बनाती है जी, आज हम सिनेमा की बात करते हैं तो वो फिल्म फिल्म ज्यादा लंबे अरसे तक जी याद रहेगी लोगों को जी हम उसकी बात कर रहे हैं जी तो यस बहुत सारी बहुत लोगों ने चुरेल्स नहीं देखा लेकिन Uh, सानिया सईद भी हैं कमली में और सानिया सईद ने uh, सरमद की टांग काट के उसकी निहारी बनाई जी जी, जी, में, जी कितना अच्छा तरह तरह अच्छा <laughs> कितनी अच्छी <laughs> आपने भी काफी लोगों की, चीज़ की और uh, बतूल आपके कैरेक्टर नेगेन वेरी वेरी लक्की टू में काम करते हैं और जितना पुश करते हैं इतना पुश करते हैं एक्टर्स को टू बी बेटर